प्रदेश सरकार की सोच, हौसले और सुधारवादी नीतियों के साथ उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश रोजगार और निवेश के तमाम अवसर लिए उत्तम प्रदेश बना है। औद्योगिक विकास राज्य सरकार के मुख्य एजेंडे में से एक रहा है। इस दिशा में यूपी सरकार देश में एक निवेश गंतव्य के रूप में प्रदेश की छवि को सुधारने में सफल रही है। कोविड के समय भी दुनिया भर से नए निवेशकों को आकर्षित करने में प्रदेश सरकार कामयाब रही है। इस उपलब्धि को हासिल करने में सरकार ने औद्योगिक पार्कों की स्थापना और उद्योगों के लिए भूमि बैंक उपलब्ध कराकर बुनियादी ढांचे का निर्माण किया। इसके साथ ही बेहतरीन सड़कें, माल ढुलाई और जनसंपर्क को बेहतर करना व औद्योगिक गलियारों का विकास और बिजली आपूर्ति पर विशेष ध्यान दिया है। एक्सप्रेसवे के दायरे में आने वाले गांवों और शहरों में सामाजिक विकास के साथ ही कृषि, वाणिज्य, पर्यटन और उद्योगों की आय को बढ़ावा देने की तैयारी। इसी कड़ी में 340 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, 296 किलोमीटर लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, इसी तरह 594 किलोमीटर लंबा प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ एवं अन्य प्रमुख निर्यात केंद्रों को जोड़ेगा। लखनऊ व वाराणसी में मौजूद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और कुशीनगर, अयोध्या और नोएडा में बनने वाले हवाई अड्डों के साथ ही जल्द ही यूपी 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला देश का एकमात्र राज्य बन जाएगा। ग्रेटर नोएडा के जेवर में 5000 हेक्टेयर में फैला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर भारत के सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक होगा। भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की घोषणा की गई है। ये अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ के प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग केंद्रों से गुजर रहा है। इससे लगभग 2.5 लाख रोजगार और 50,000 करोड़ के निवेश की उम्मीद है। प्रदेश में लॉजिस्टिक क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया गया है। भारत सरकार द्वारा हाल ही में घोषित व्यापार सुधार कार्य योजना रैंकिंग में यूपी ने जोरदार छलांग लगाते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। निवेश मित्र ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए पिछले 3 सालों में राज्य के 27 विभागों की 327 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए प्रदान की जा रही हैं। राज्य सरकार ने ऐसे सभी निवेशकों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया। इसके परिणाम स्वरूप लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश सक्रिय चरणों में है। अप्रैल 2020 में इन्वेस्ट यूपी के लिए एक हेल्प डेस्क की स्थापना की गई, जिसमें 96 से अधिक निवेशक शामिल हैं। इनमें जापान, यूएस, यूके आदि लगभग 10 देशों की कंपनियां शामिल हैं। इनमें ग्रेटर नोएडा में हीरा नंदानी समूह द्वारा डेटा सेंटर में 6000 करोड़ रुपए का निवेश, नोएडा में अडानी समूह द्वारा डेटा सेंटर में 4900 करोड़ रुपए का निवेश, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा नोएडा में सॉफ्टवेयर विकास में 1800 करोड़ रुपए का निवेश, ग्रेटर नोएडा में नेट मैजिक आईटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा डेटा सेंटर में 1500 करोड़ रुपए का निवेश और बाराबंकी में ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा खाद्य प्रसंस्करण यूनिट स्थापित करने में 340 करोड़ रुपए का निवेश किया जाना शामिल है। इनमें मुख्य रूप से रिलायंस जियो, अडानी ग्रुप, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इंफोसिस और पेप्सिको आदि शामिल हैं। जो कभी नहीं हुआ वो 4.5 साल में करके दिखाया है। कोरी योजनाएं नहीं, धरातल पर काम नजर आया है। भरोसे के साथ आइए उम्मीदों के प्रदेश, देखिए इसके बदले हुए अंदाज को, निवेश के परों पर उत्तर प्रदेश की परवाज़ को।